तो जी मेरे भटूरे तो फूल ही रहते हैं, मम्मी के देखे तो मुझे भी लग रहा है कि भटूरे फूल रहे हैं। तो मम्मी बना रही है, मैंने अपनी प्लेट ले लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जी कितना सुंदर भटूरा फूला है मम्मी का। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कूल छिपस। तो जी दिवाली तो बड़ी धूमधाम से मना ली और आज है भैया दूज। तो बस भैया दूज मनाने की तैयारियां चल रही हैं और इस टाइम तकरीबन दिन के बज चुके हैं एक, क्योंकि जो मुहूर्त था वो एक से दो के बीच का ही था तकरीबन। अब ये भी चीज़ें आ गई हैं कि आप टाइम देख के जो है आपने सेलिब्रेट करना है। तो जी बस अब जो है हम रेडी हो गए हैं, बस अब मैं थाली तैयार करती हूँ और फिर हम मनाते हैं भैया दूज। तो मेरी थाली जो है वो रेडी हो गई है। ये जो मैं धनतेरस पर लाई थी अभी तो बहुत कम आ रहा है, साथ में मैंने रख लिया मिठाई। तो जी दिवाली पर इतनी मिठाई खा ली, अब मिठाई का बिल्कुल भी दिल नहीं करता खाने का। तो बस अब मैं जो है भाई दूज के लिए रेडी हो गई हूँ और बुलाती हूँ भाई को और लगाती हूँ। और साथ में मेरे बैठा है मेरा सोना सोना सुपरस्टार आरव छिपर और साथ में बैठा आरव और जो जानू है जाना, और जानू जो है हमारे पैरों पे बैठा हुआ है। आओ जानू जाना, ये देखिए ये मेरा बेबी आ गया। जानू भी दीदी से टीका लगवाएगी, मेरा बच्ची है ना बच्चा। तो जानू भी सबको हाय बोल रहा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपना रिचुअल। लगाने से पहले मैं बता दूं जी, मैं भूखी नहीं रहती। मैं सुबह से अपना खा पी के बैठी हूँ, चाहे 10 बजे लगाना हो चाहे 11 बजे लगाना हो, मैंने खा लिया है और अब मैं इसको लगा रही हूँ और ये भी खा बैठा है। हाँ मैं खा बैठा, सुबह सुबह कचौड़ी खाई थी। ये दिवाली का सीजन ऐसा है, छुट्टी है, उसके भी पूरा दिन लगता है। जब तक कुछ मीठा खाओ ना तो दिवाली का फील नहीं आता। भगवान तरक्की दे, बुद्धि दे थोड़ी, इतनी बुद्धि दे कि बहन से लड़ाई ना करे। ये तो रिश्ता ही ऐसा भाई। ये देख काजू कतली खा रहा, तो आरू देख रहा है वो काजू कतली कौन खा रहा है। कौन खा रहा है? मैं आपको ना इसकी बचपन की एक बात बताती हूँ। छोटे होते थे मैं दो चोटी करती थी, एक दिन इसकी मेरी लड़ाई हो गई जो आज तक होती है। इसकी मेरी लड़ाई हो गई और इसने क्या किया, मेरी एक चोटी पकड़ी और कैंची ले ली और मुझे कह रहा, मतलब पता नहीं मैं इसको मार रही थी क्या कर रही थी, मुझे कह रहा छोड़ दे नहीं तो मैं तेरी चोटी काट दूंगा। मुझे लगा मजाक कर रहा है, चोटी क्यों काट रहा है, इतने लंबे लंबे बाल थे मेरे। और इसने क्या किया, मम्मी घर में नहीं थी, इसने मेरी एक चोटी ली और यहाँ से सच्ची में काट दी। और मैं देख के हैरान हो गई, मैंने कहा इसने तो सच में काट दी, मेरे को स्कूल भी जाना है कुछ है, मम्मी आएगी तो मम्मी मारेगी। मैंने क्या करा, जितनी इसने काटी थी दूसरी मैंने खुद ही काट ली। ऐसे ऐसे हमारी बहुत बातें हैं बचपन की, सुनाने बैठेंगे तो टाइम कम पड़ जाएगा। तो लड़ाइयाँ तो अभी भी होती हैं बचपन की तरह, अभी भी होती हैं। पहले ये था, पहले मेरी चलती थी, अब मेरी चलती नहीं है, अब मुझे हारना ही पड़ता है। सबके साथ है, जितने भाई बैठे हो ना सब अपनी बहन को वही मनाते हैं। किसी की बहन जल्दी मानती है, किसी की मानती है 15 दिन में। आज तक कभी डब्बा खरीद के नहीं लाई है मिठाई का मेरे लिए, ये मैंने खरीदा है। दो डब्बे हैं घर में, अभी दिवाली के नेक्स्ट डे पड़ जाता है तो स्पेशल क्या लेके आऊं जब एक ही घर में रहते हैं। तो डब्बा अपने लिए नया डब्बा लाना चाहिए ना। आपने देखा इसने मुझे कुछ पैसे दिए? पैसे दिए पिछली बार दिए थे, तो कुछ लाइए मेरे लिए कभी? ये देखो कुछ नहीं देता मुझे, ये कभी लाइए कोई टी-शर्ट वी-शर्ट ले कोई दे भाई। तो देखो कितने, मतलब आज बहन का त्योहार है, आज लोग बहन को देते हैं, ये मुझसे मांग रहा है। तो मैं मांग नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो लग रहा है मेरा भाई करता है, सब ऐसे होते हैं। मैं तो दूंगा ही दूंगा। अच्छा भगवान से तो बुद्धि दे थोड़ी। ये भी बहुत अच्छा टाइम है, देखो पूजा होती है भाई की। हमारा कोई नहीं आता ऐसा त्योहार की बहनों की भी पूजा हो। रोज ही बहनों का त्योहार है। हमारा क्या त्योहार है? ये लो जी डब्लू की तरफ से शगुन आ गया। शगुन आ गया 5 रुपए। और जानू कैसे देख रहा है? और ये मेरे छोटे से आरू को, और साथ में आरू की पूजा भी करूंगी। तो बस भाई तुझे हमने बना लिया, अब चलते हैं नीचे और अब हो गया लंच का टाइम। लेकिन व्लॉगिंग करना सच में बहुत मुश्किल होता है, मुझे लगता था बस ऐसे ले लो और कुछ बोलते रहो। बेटा अभी तो आपको एडिटिंग नहीं पता, एडिटिंग में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जी बस आज लंच में बन रहे हैं छोले भटूरे, और जो छोले फेवरेट है छोले भटूरे जो है वो मैं बनाऊंगी आज, पहला भटूरा मैं बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि छोले भटूरे मैं कैसे बनाती हूँ और मेरे हाथ का कौन खाता है। मैं खाऊंगा। कौन खाएगा?
कोई तो खाए आरा खाएगा, बस मेरा बच्चा यही है जो खाएगा। बुआ भी आपकी खाएगी बेबी? हाँ बहुत अच्छा बना। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं सीधे किचन में, और पहला भटूरा मैं आपको आज बना के दिखाऊंगी कि मेरे को भी भटूरा बनाना आता है। चलिए जी चलते हैं फिर नीचे। तो जी वेलकम इन माय किचन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जी छोले बने हैं, दिखाओ जी दिखाओ पंजाबियों के छोले, आगे से दिखा दो। तो ये बने हैं जी छोले, और ये भटूरा ये मम्मी ने बनाया है, मैं तो तल रही हूँ सिर्फ इसे। तो जी देखिए तो ये भटूरा है, ये फूलेगा, ये क्रेडिट मेरे लूंगी फुलाने का इसको। ये देखो जी आप फूल जा भाई फूल जा, इज्जत का सवाल है फूल जा। चलो जी ये हमारा फूल जो है नाराज हो रहा है, ये इतना ही फूलेगा। फूल गया जी फूल गया, मैं सोची थी नहीं फूलेगा पर ये तो फूल गया। देखो जी कितना सुंदर भटूरा बनाया मैंने, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया। अब मैं एक बेल के भी दिखाती हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ मुझे बेलना भी आता है। तो जी ये हमने लिया एक पेड़ा, देखिए आप ये हम एक पेड़ा लेंगे, थोड़ा सा हम इसमें से ऑयल लगाएंगे ऐसे। आप इसको स्टफ्ड भी बना सकते हैं कुछ भी बीच में फिलिंग करके, बस जी साथ में चकला भी जा रहा है इसके। तो भाई जैसी मर्जी आप शेप दे सकते हैं, पेट में जाके तो बराबर ही हो जाना है। देखो जी मेरा भटूरा हो गया, अब हम इसे डालते हैं, और ये तो पूरा फूलेगा इसने मुझे प्रॉमिस करा है। अच्छा ये तो मैंने अब देखा मम्मी क्या रखा हुआ है, मेरी माता दी पौनी वेख लो हैंडल ही नहीं है। देखो जी मस्त फूला भटूरा हमारा, कोई ये नहीं कह देगा गरम गरम भटूरे बनाने में आते फूले फूले। अब गैस को करते हैं स्लो, और देखो जी आप भटूरा मस्त बनाइए भी। अब करते हैं प्लेटिंग, टाइम हो गया। तो जी मेरे भटूरे तो फूल ही रहते हैं, मम्मी के देखे तो मुझे भी लग रहा है कि भटूरे फूल रहे हैं। तो मम्मी बना रही है, मैंने अपनी प्लेट ले ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो जी कितना सुंदर भटूरा फूला है मम्मी का, एक भटूरा पापड़ छोले और प्याज तो साथ में अचार। चलिए टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसा बना। गरम गरम है बिल्कुल, किसी और को खिला के क्या फ़ायदा, खुद ही खा लो अपने आप टेस्ट कर लो। जानू बैठा हुआ बेहतरीन लाजवाब, कैमरामैन के मुंह में भी पानी आ रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है। और मम्मी बहुत खुश है, और जानू आ गया है, जानू कह रहा है मैं भी खाऊंगा। बाबू रुक जा देते हैं मेरे बच्चे, एक बाइट और बनती है उसके बाद नहीं खाओगी बाकी का? नहीं सब्सक्राइबर को दिखा रहे ना भी, देखो कितना स्वाद बनाया हुआ है। देखो जी बेहतरीन। चलिए जी अब लंच करते हैं और लंच के बाद मिलते हैं। तो जी भाई दूज का ब्लॉग और भाभी ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। भाभी जो है अपना बेलने में और भटूरे बनाने में भाभी लगी हुई है। भाभी हेलो तो बोल दो सबको। हाय फ्रेंड्स, क्या हो गया भाभी? तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा ले लूँ, सब सोचेंगे भाभी को नहीं लिया, अभी भाभी कहाँ गई? भाभी कहीं घूमने गई आज। हाँ भाभी कहीं घूमने ना चली गई हो? नहीं भाभी घर पे ही है, रेस्ट कर रही थी सुबह से। तो भाभी फिर आप भटूरों के लिए इनवाइट कर लो, जो खाना चाहता है आपके हाथ के। बिल्कुल जी आ जाइए, जो जो भटूरे खाना चाहता है मोस्ट वेलकम। तो जी फिर बस आज के लिए भाभी एंड करें व्लॉग को, तो आपको मिलेंगे अब हम कल अपने नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे व्लॉग्स को ज़रूर देखिए और हमें सपोर्ट करिए, और हमारे चैनल कूल छिपर को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, हैप्पी भाई दूज।